हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों की पहली संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में हो रही जेसीसी बैठक में पेंशनरों के करीब 117 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पेंशनरों के मेडिकल बिल भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं पेंशनरों को सरकार से पहचान पत्र भी दिलाए जाएंगे। पेंशन भोगियों को जो पेंशन भत्ता वर्तमान में 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरांत दिया जाता है, वो अब संशोधित पेंशन पर दिया जाएगा। इससे पेंशन भोगियों को वार्षिक 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात राज्य के पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन पारिवारिक पेंशन को 1 जनवरी 2016 से नेशनल संशोधित वेतन मैट्रिक्स के 50% और 30% की दर पर संशोधित करने की घोषणा की है। इस संबंध में वित्त विभाग शीघ्र ही आदेश जारी करेगा। उन्होंने घोषणा की कि पेंशन भोगियों को शीघ्र पहचान पत्र जारी करने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की पेंशन पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया गया है। न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी 2016 से 3500 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए प्रति माह की गई है। आगे कहा कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है और 8% और 4% की दर से अंतरिम राहत 1 जनवरी 2016 और 1 जुलाई 2018 से प्रदान की गई। आगे कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता समय समय पर बढ़ाया जाएगा। तो आज की सबसे पर फिर भी हम बहुत कुछ करने की इच्छा रखते थे, लेकिन ये परिस्थिति एक हमारे सामने ऐसी रही है कि ये कोविड के कारण आर्थिकी प्रभावित हुई है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा और मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों ने जिनने जिंदगी भर आप लोगों ने काम किया है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपने व्यवस्था में रह करके काम किया है और व्यवस्था में रह करके काम की बारीकियों को समझा है और व्यवस्था में रह करके सरकार की परेशानियों को भी समझा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो प्री 2016 पेंशनर पारिवारिक पेंशन की पेंशन को दिनांक 1/1/2016 से नोशनल रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स के लेवल्स पर लेवल्स के 50% व 30% की दर पर संशोधित किया जाएगा, ये मैं आपके बीच में यहाँ घोषणा करता हूँ। ये सारी चीज़ को हम करेंगे। इस बारे वित्त विभाग शीघ्र ही आवश्यक जो है वो दिशा निर्देश जो है वो जारी करेगा। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि पेंशनर्स को उनकी सेवानिवृत्ति के कार्यालय से पहचान पत्र जारी करने की जो एक बात आ रही है वो भी कर दिए जाएंगे। और इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूँ चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ तत्काल जारी करने की भी मैं आपसे घोषणा करता हूँ। टेंडेंसी है तो उसको जो हम क्लियर कर सकें। और उसी तरह से एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो पेंशन अलाउंस जो इस समय 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष उपरांत दिया जाता है वो रिवाइज्ड पेंशन पर देने की मैं घोषणा करता हूँ।